बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्राडो रखने का शौक़ रखते हैं और प्राडो अभी तक उन्होंने देखी भी नहीं है या उनके पास बजट कम है, प्राडो का शौक़ रखते हैं और प्राडो ले नहीं सकते। तो प्राडो के एज़ कंपैरिजन मतलब कम प्राइस में टोयोटा हाइलक्स सर्फ भी मिल रहा है, तकरीबन सेम टू सेम लुक है अंदर की और इंजन सस्पेंशन भी सेम है इनकी, तो देख सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना कोई फजूल सवाल किए। तो इंटीरियर इसका आप देख रहे हैं कि किस कदर है, तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कंसोल दिया गया है, अगर आपने सिगरेट वगैरह पीनी होती है तो यहाँ पर सिगरेट का वेस्ट मटेरियल डाल सकते हैं या कुछ और चीज़ें भी रख सकते हैं। तो ये रही इसके डैशबोर्ड और डैशबोर्ड मीटर में लाइटें वगैरह, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आ रही है आपको। और इंटीरियर भी आपको दिखाते हैं कि किस कदर इसका इंटीरियर है। तो सात मॉडल है ये, सात मॉडल प्राडो, तो सात मॉडल हाइलक्स भी आपको दिखाते हैं, हाइलक्स सर्फ। तो चलिए इसकी इंजन की बात की जाए। तो 3400 के इसमें इंजन डाला गया है और V6 मतलब 6 सिलेंडर इंजन है इसमें, मतलब डबल हेड होता है इस गाड़ी में, तो देख सकते हैं। तो तकरीबन जो टोयोटा हाइलक्स सर्फ आए थे वो भी 6-7 से ऊपर तकरीबन V6 आ रहे हैं, V6 आ नहीं रहे, मतलब V6 इंजन इसमें डाला जा सकता है। तो देख सकते हैं ये रहा टोयोटा हाइलक्स सर्फ। तो पहला फ़र्क तो ये हो गया, वो सफ़ेद था और ये काला है। नहीं, सफ़ेद और काले का कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका जो पहले आगे का बम्पर है वो चेंज है और पीछे का बम्पर भी चेंज होता है। तो देख सकते हैं इसका इंटीरियर आपको दिखाता हूँ कि फ्रंट का इंटीरियर, फ्रंट का इंटीरियर आप देख सकते हैं कि उसमें 4x4 था, इसमें 4x4 नहीं है, मतलब लीवर वाला 4x4 नहीं होता, इसमें बटन वाला लीवर, बटन वाला 4x4 होता है। चेक कर सकते हैं इंटीरियर इसका, 4 इंडिकेटर भी साइड पर लगा हुआ था, उसका बिल्कुल ही सामने मतलब स्टेयरिंग के बिल्कुल ही नीचे लगा हुआ होता है, ये पैसेंजर साइड पर लगा होता है इसका। तो पीछे की लुक भी आपको दिखा देते हैं, चेक कर सकते हैं आप। उसका कंसोल मतलब छोटा होता है, इसका कंसोल बड़ा होता है और पीछे की लुक भी तकरीबन थोड़ी बहुत डिफरेंट नज़र आएगी अंदर की जो इंटीरियर लुक है, देख सकते हैं आप। तो चलिए इसकी बैक की लुक भी आपको दिखाते हैं कि छोटा हाइलक्स सर्फ और प्राडो में क्या फ़र्क है। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। उसकी बैक लाइटें थोड़ी बाहर निकली हुई थी और इसकी अंदर है स्मूथ लाइटें। तो ये ड्राइवर साइड है, मतलब देख सकते हैं आप इसके मीटर और उसके मीटर आपने देखे थे वो इकट्ठे थे, ये सेपरेट आते हैं तीनों मीटर, मतलब RPM स्पीड मीटर और फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज वाले सेपरेट अलग अलग आते हैं मीटर। तो देख सकते हैं इसका इंटीरियर, आप इसका इंटीरियर चेक करें और ख़ुद ही इमेजिन कर बताएं और टोयोटा हाइलक्स और प्राडो में कितने फीचर सेम है और कितने डिफरेंट हैं। तो देख सकते हैं इसमें भी 3400 cc का इंजन है, 4KM मतलब 4 KM वाला और डबल हेड V6 इंजन इसमें डाला गया है। तो तकरीबन इसके सेम फीचर होते हैं, उसका भी तकरीबन जो बोनट के होते हैं, बोनट के भी शाख होते हैं और इसके भी बोनट के शाख होते हैं, तो चेक कर सकते हैं। तकरीबन ये भी V6 है और वो भी V6 इंजन है, देख सकते हैं इसका लेबल बाहर ही नज़र आ रहा है आपको। तो ये रही इसका फ्रंट, तो इसकी फ्रंट की लाइटों में भी चेंज होती हैं, मतलब प्राडो से और सर्फ के डिफरेंट होते हैं, मतलब फ्रंट की लुक थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है और बैक की लुक भी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। बकाया तकरीबन अक्सर फीचर जो होते हैं वो सेम नज़र आते हैं, मतलब नए बंदे को ये पता नहीं चलता कि ये टोयोटा हाइलक्स सर्फ है या प्राडो है,
वो बस एक ही नाम याद रखा हुआ होता है उसके, जब भी ऐसी गाड़ी नजर आए तो वो कहते हैं हाँ प्राडो है यार, बस प्राडो जा। तो वीडियो इतनी लंबी काफ़ी है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर कोई गलती हो तो